वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, बैक टू विद बैड वॉइस, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वो शोनू की मदर डायमेंशन में ही आ गई है और वो डीन को, या ये कहने मो शोनू को, हमेशा अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन वांग जी की उनके रूम के आने के बाद मैडम लैन डीन को वहाँ से ले जाती है। अब आगे जहाँ एक तरफ मो शोनू की मदर अपने रूम में बैठी हुई है, वहीं वांग जी की मदर डीन और वांग जी को बाहर लेके आ गई है। मैडम लैन वांग जी और डीन से अकेले में मिलती हैं। अब बोलती हैं कि उन्हें इस लेडी के पास से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। इन्हें डर है कि मो शोनू की मदर यहाँ किसी इविल प्लान के साथ आई है, इसी कारण जितना हो सके हमें मो शोनू की मदर के सामने ये प्रिटेंड करना चाहिए कि ये मो शोनू ही है, विंग नहीं है। वो ये भी बात बोलते हुए विंग के माथे पर, या ये कहने सर पे हाथ फिराती है। अब प्यार से बोलती हूँ, विंग मैं जानती हूँ इस लेडी को हैंडल करना, इस लेडी को झेलना आसान नहीं है, पर मेरा बच्चा जैसे हम अब आए तुम अब तक कर रहे हो, तुम आगे भी करते रहना। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें उस लेडी के साथ अकेले ना छोड़ूं। लेकिन तुम और वांग जी इस चीज़ का ध्यान रखो, उनके सामने तुम दोनों ये लवी डवी बन के नहीं घूम सकते। वांग जी वो थोड़ा सा आवाज़ तेज करते हुए, थोड़ा सा वांग जी को गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम इस तरीके से उनके रूम में आके विंग को नहीं बुला सकते, वो अभी मो शोनू है उनकी नज़रों के आगे, और हम मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चले, इसलिए प्लीज़ तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। वांग जी भी हूँ करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो एज यूजल बस हूँ करता तो है, मन ने वो क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता। वो ये बात बोलने के बाद विंग का हाथ पकड़ के ही उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं विंग और मैडम लैन एक दूसरे के सर पे हाथ मार, मतलब अपने अपने सर पे हाथ मारते हैं, ये सोच के कि उन्हें अच्छे से पता है वांग जी क्या करने वाला है। वांग जी इतना शरीफ या इतना अच्छा तो है नहीं कि वो एक बार में मैडम लैन की बात मान जाए, लेकिन अभी मैडम लैन ने को जो कहना था वो इन दोनों से कह चुकी है। वहीं वांग जी तुरंत विंग को रूम में लेके आके आराम करके गेट बंद कर देता है। विंग अब मतलब लंजा की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्सा कर देता, ये क्या किया लंजा तुमने, अभी तो मदर समझा रही थी ना कि तुम मेरा इस तरह से हाथ पकड़ के मुझे इस तरह से अपने रूम में नहीं ला सकते, हो सकता है कुछ दिन मुझे मो शोनू वाले पुराने रूम में ही सोना पड़े, तो तुम ऐसा मत करो ठीक है। इससे पहले विंग कुछ और बोलता या वांग जी कुछ रिस्पॉन्स करता, वांग जी तुरंत विंग के फेस को पकड़ के उसे पैशनेटली किस करने लगते हैं। विंग उसके रिस्पॉन्स को समझ नहीं पाया, लेकिन वो ये भूल गया कि शायद वो मैडम लैन इन सब चीज़ों में बिजी हो गए थे तो उनके दिमाग से बात निकल गई, लेकिन वांग जी के दिमाग से बात नहीं निकली थी। वांग जी तो बहुत जेलस था आज विंग को जंजा के साथ देख के, जंजा एक बेटा है इसी कारण वांग जी विंग के साथ जंजा को देख के बहुत अनकंफर्टेबल होता है। दूसरा, जंजा विंग का काफ़ी क्लोज है क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, और वांग जी को इस चीज़ से भी जेलसी होती थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विंग का सिर्फ एक ही फ्रेंड है और वो वही खुद है, रांग वांग जी है, तो कोई और विंग का इतने क्लोज है इतना अच्छा फ्रेंड नहीं बन सकता। इसी कारण बचपन से जब से शायद वांग जी को हो रहा है तब से उसे जंजा का वांग जी के क्लोज आना, या सॉरी विंग के क्लोज आना कभी पसंद नहीं आया था, और आज ये जेलसी वाला ये किस्सा। अब वांग विंग थोड़ा सा वांग जी से दूर होते बोलते, ये तुम क्या करो लंजा, मैंने तुमसे कहा ना हम अलग रूम में सोएंगे। इस बात पे वांग जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो विंग को उसकी कमर से खींच के और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। इस बार तो वो थोड़ा सा विंग के लिप पे एक तरह से बाइट भी करता है गुस्से में। इस बात पे विंग बेचारा वांग जी को दूर होता है और बोलता है, आज तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। अब वांग जी अपनी जैसी भरी आवाज़ में विंग से पूछते हैं, तुम जंजा के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुमने उसे सच बता दिया। अब विंग थोड़ा सा घबराते हुए थोड़ा सा अपने आप को सही करते हुए, मैंने उसे नहीं बताया था, उसे पता चल गया था। कैसे, अभी क्या क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये बात तो नहीं बता सकते ना वांग जी को कि वो वांग जी से छुप के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है विंग के मर्डर के बारे में, तो वो इस कारण बहाने सोचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वांग जी को विंग का ये चुप रहना और जल्दी से रिस्पॉन्स ना करना और इरिटेट फील करवा रहा है, इसलिए वो तुरंत विंग को और ज़्यादा पैशनेटली अपनी तरफ खींचता है, या ये कहते खींचते हुए बैठ के पास ले जाते हैं
और बेड सीधा बेड पे धड़ाम करके गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। नहीं, तुम उससे क्यों मिले? नंजा, वो मेरे कैफे में आता था, उसके कुछ आस पास में इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से आना जाना हो रहा था। इस कारण मैं और वो मिले, उसने मेरी बातों से मुझे ऑब्जर्व किया और पकड़ लिया। वो भी तुम्हारी तरह पहले मुझे मोशन समझ के मुझ पर गुस्सा करने मुझसे लड़ने ही आया था, लेकिन जब उसे ऑब्जर्व हुआ कि मैं मोशन की तरह बिहेव नहीं कर रहा हूँ तो वो पुलिस ऑफिसर है ना, उसने दिमाग लगाया और पकड़ लिया। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बात बोलने के बाद नहीं, बड़े प्यार से पाउटी सा फेस बना के बड़े क्यूट तरीके से मतलब लंजा से बात कर रहे हैं ताकि लंजा का गुस्सा थोड़ा शांत हो। अब वहाँ भी एकदम से विंग फेस को दोबारा से किस करने लगता है और किस करते करते उसके नेक के पास आ जाता है और वहीं पैशनेटली उसे किस करते हुए बोलता है, तो मुझसे पहले उसे तक महसूस हो गया था। सचमुच में मैं इस मोशाने की आम नफरत में कुछ ज़्यादा ही अंदर था कि मैं तुम्हें सही टाइम पर पहचान नहीं पाया। और ये बात बोलने के बाद उसके हाथ वहाँ विंग की शर्ट के अंदर स्लाइड हो जाते हैं और धीरे धीरे से विंग की शर्ट को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। अब वो विंग की बॉडी पे किस दे रहा है और एक सच के किस दे रहा है, ये अपने अंदर की उस प्यार को प्रूव करना चाहता है। उसे अब तक ये बात गिल्टी मतलब महसूस होता है कि वो क्यों नहीं विंग को पहचान पाया था। वो उस चीज़ के लिए अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा यू नो अंदर से खुद को कोसता है, लेकिन आज वो अपने विंग को पैशनेटली किस करना चाहता है। और फिर दोबारा से विंग के पास आते हैं ऊपर और उसके फेस को देखते रहते हैं। विंग की आंखों में देख रहे हैं, अब बोल रहे हैं, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना कि मैं तुम्हें सही टाइम पे नहीं पहचान पाया, तुम्हें हर्ट हुआ होगा ना कि मैं तुम्हें प्यारी मतलब पहली बार में नहीं पहचान पाया। इस बात पर विंग महसूस करें कि वांग जी की आंखों में कितना पेन है। वो तुरंत वांग जी को फ्लिप करके अब वो उसके ऊपर आ जाता है। अब वो खुद अपनी वांग जी को अपने दोनों हाथों से पकड़ के प्योरली पैशनेटली उसे किस करने लगते हैं, जैसे उसे बताना चाहते हैं कि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वांग जी ने उसे कब पहचाना हो, लेकिन हाँ विंग को वांग जी से बहुत प्यार है और वो उस चीज़ को इस तरीके से इस किस के थ्रू वांग जी को प्रूव करना चाहता है कि वो वांग जी को बहुत प्यार करते हैं। उसे खुद नहीं पता कब कैसे पर उसकी सोल ने वांग जी को अपना सोलमेट बना ही लिया है। अब उसे वांग जी को सैड नहीं देखना, वो उसे हैप्पी देखना चाहता है, उसे गिल्टी महसूस नहीं करवाना चाहता, उसे हैप्पी फील करवाना चाहता है। इसी कारण वो खुद वांग जी को अब किसेस करने लगते हैं, जैसे उसने वांग जी ने विंग की बॉडी के साथ किया था। अब वो सेम चीज करने लगता है, वांग जी के कपड़े रिमूव करके उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में पूरी तरह से घूम रहे हैं, पैशनेटली एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना लव मेकिंग के थ्रू अपना प्यार जता रहे हैं, अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोशाने की मदद तो जैसे सो ही नहीं पा रही है, एक तो नई जगह है उस वजह से, और ऊपर से ये सोच के कि वांग जी इस रूम में क्यों आया था। सच्चाई तो यही है कि चाहे मैडम लैन तुरंत वांग जी को वहाँ से लेके चली गई थी, लेकिन इस तरीके से वांग जी का मतलब मैडम मौके एक तरह से मिसेस मौके रूम में आना मिसेस मौको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर गया था। वो खुद रूम से बाहर निकलती है और चुपचाप से इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन वो यहाँ पहली बार आई थी इसी कारण शायद वो वहाँ कौन सा मोशन करूँ मैं कौन सा लंगवांग जी करूँ मैं तो उसे पता नहीं चला। लेकिन वो ये सोच के अब सोती है कि वो कल मॉर्निंग में सब पता करेगी कहाँ रहता है मोशन कौन सा रूम है मोशन का, और वो खुद ऑब्जर्व करेगी कि क्या सचमुच में मोशन और लंगवांग जी की रिलेशनशिप अब आगे बढ़ गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे कैसे हुआ वो ये सब पता करेगी। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी तो एक दूसरे के प्यार में इतना गुम है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैडम मिसेस मोके क्या प्लान से आई है। वो तो बस एक दूसरे को अपना प्यार साबित करना चाहते हैं। वांग जी विंग को ये साबित करना चाहते हैं कि चाहे उसने विंग को लेट पहचाना हो, लेकिन वो उसका विंग है और वो उसे पूरे दिन दिल जान से प्यार करेगा चाहे वो किसी बॉडी में भी आ जाए। वहीं विंग वांग जी को ये बात महसूस करवाना चाहता है कि चाहे वो किसी और वर्ल्ड से हैं, लेकिन अब वो वांग जी को बहुत प्यार करने लगा है अपने दिल से अपनी आत्मा से। शायद यही कारण है कि वो वांग जी की हर चीज़ को हर बात को बहुत ज़्यादा दिल से मान रहे हैं। वहीं वांग जी का छोटे छोटे उसे पैम्पर करना, उसे प्यार करना, उसे इस तरीके से एकदम से कहते ना हाथों में लेके घूमना, वो वाला तरीका देख के भी उसके मन को बहुत खुशी होती है।
उसे लगता है कि शायद सचमुच में मोशाने ने उसे यहाँ बुला के उसकी लाइफ का बेस्ट चीज़ की है। वो वांग जी की इस साइड से मिल पाए, वांग जी की इस प्यार को फील कर पाए, उस चीज़ के लिए वो खुद को बहुत लकी मानता है। ये दोनों चाहे एक दूसरे के प्यार में गुम है, अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या बड़ा करने वाली है मिसेस मो, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं। मॉर्निंग में सब लोग उठ जाते हैं। एज यूजल पिंक को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वांग जी ने उसे पूरी रात जो परेशान किया, ये कह रहा है जब खाया है तो इस कारण उसे थोड़ा टाइम लगता है। जहाँ वांग जी सही टाइम पे उठ के रेडी होके विंग को बड़े प्यार से उठाता है, उसके लिए हमेशा की तरह बैटरी लेकर पहुँच जाता है जिससे विंग को थोड़ा कंफर्टेबल हो। ये बैटरी हर्बल बैटरी है जिससे अगर थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में बॉडी एक हो या आपके उस टाइप की चीज़ों में हेल्प करती है। ये हर्बल मतलब बैटरी विंग को बहुत इरीटेटिंग लगती है जो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ जब भी वो उसे ड्रिंक करता है थोड़ी देर में उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो इतना चाहते हुए इसे डेली ड्रिंक करता ही है। वो उसे ड्रिंक करता है, दोनों अच्छे से फ्रेश होते हैं और एक साथ रूम से निकलने वाले होते हैं। तभी विंग पीछे से वांग जी को रोक देता है और कहता है रुक रुक राजा। अब वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखते हैं। अब विंग बड़े प्यार से वांग जी के पास आता है, उसके दोनों मतलब एक तरीके से अपने दोनों हाथों को उसके गले में डालता है और बड़े प्यार से उसके लिप्स पे किस करके थोड़ा सा दूर होता बोलता है राजा तुम्हें कल मदर ने क्या कहा यहाँ ना, हम दोनों पहले की तरह ऐसे नहीं घूम सकते। जब तक मिसेस मोहन घर में तब तक तो बिल्कुल नहीं। प्लीज़ तुम मदर की बात सबको समझो, शायद मदर जो चाहती है वही मैं भी चाहता हूँ। मैं भी नहीं चाहता मिसेस मो या मास्टर मो को कभी या मीमी को पता चले कि मैं मो शानो नहीं हूँ। पता नहीं वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, यकीन करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं वो क्या करें। इसलिए बेटर है कि हम उन्हें दूर रखते हैं। ऐसे ही मदर बता रही थी कि वो कभी भी मोशन की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, कभी कभार ही आते हैं। हो सकता है ये थोड़े दिन में यहाँ से बोर होकर चली जाए और फिर पता नहीं कब तक है। इससे अच्छा है कि हम थोड़े दिन ये प्रिटेंड करते हैं, ठीक है लंजा? तो तुम कहना चाहते हो कि मैं उसके सामने तुम्हारे साथ रूड व्यवहार करूँ? तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें गुस्सा करूँ? वांग जी गुस्से में थोड़ा सा गुस्से वाले जैसे बच्चे होते हैं जैसे गुस्सा करते हुए बोलता है, जिससे वांग को वांग जी बहुत क्यूट मतलब वांग जी बहुत क्यूट लगता है। अब वांग जी के दोनों क्यूट गालों को जो थोड़े से मतलब फ्लफी से हैं उन्हें पकड़ता है और प्यार से दबाते हुए ओ मेरे प्यारा लग जा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता तुम मुझ पर गुस्सा करो किसी के भी सामने, बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से मेरे साथ लवी डवी मत हो, वो भी खासकर मिसेस लिमो के सामने। ये हाथ पकड़ के चलना, ये मुझे हर बार की तरह खुद खाना सर्व मत करना, मैं खुद खाऊंगा और हाँ मैं कोशिश करूंगा कि जब तुम चले जाओ उसके बाद खाऊं, ताकि नहीं तुम मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम चुपचाप से मेरे पास बैठ के ही ब्रेकफास्ट करोगे। वांग जी बोलते हैं, वांग जी को ये प्रटेंड करना नहीं आता, उसने कभी ये करा ही नहीं। नाटक करना प्रटेंड करना वांग जी के लिए बहुत टफ काम है, वो जैसा है वो सबके सामने है। अगर वो नहीं चाहे वो अपने एक्सप्रेशन ना बताता उसे समझना बहुत मुश्किल हो, लेकिन वो जो करता है वो बड़े प्योरली जैसा उसका हार्ट है वैसे ही बिहेव करता है। इसलिए वो ये प्रटेंड करना चाहे वो अंदर से मीन को पसंद करता हो लेकिन गुस्सा कर वो ये नहीं कर सकता। इसी कारण मीन ने भी उसे साफ कह दिया कि वो गुस्सा ना करे, बस नॉर्मल ही रहे। अब वांग जी और विंग दोनों अलग अलग नहीं आते हैं, मतलब पहले वांग जी नीचे जाके बैठ जाता है जिसकी वो देखता है कि मिसेस मो उसकी मदर के साथ सोफे पे बैठी। फिर वांग जी के आने के करीबन 10 मतलब मिनट बाद विंग आता है, जिसके बाद मिसेस मो बड़े नाटक करते हुए उठ के गुड मॉर्निंग बेटा करती है, जिससे विंग को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वो भी गुड मॉर्निंग मदर करके बैठ जाता है। सब लोग सब ब्रेकफास्ट करते हैं। इस समय वांग जी जैसा विंग मैडम ने कहा था पूरी कोशिश करता है कि वहाँ वो लवी डवी ना हो या कुछ ऐसा ना कर दे, क्योंकि वांग जी का लवी डवी कोई ऐसा लवी डवी नहीं कि बैठे हो किस करो, उसका नॉर्मल से कुछ हटके करना ही एकदम से सबको शॉक दे देता है। इसलिए वो जैसे नॉर्मल पहले बिहेव करता था कोल्ड फेस लेकर बैठे रहना सिर्फ नाश्ता करके चुपचाप से चले जाना, वो वैसा ही करता है। वहीं जैसे ही वांग जी वहाँ से जाता है उसके बाद वो अपने फ़ोन से विंग को मैसेज कर देता है कि वो थोड़ा सा दूर पे मतलब मेंशन कीजिए थोड़ा सा दूर पे ही कार में उसका वेट कर रहा है, तो वो जल्दी से यहाँ से फ्री होके बाहर है क्योंकि आज वो विंग को लैंड कॉपरेशन ले जाना चाहता है।
नहीं जॉब के लिए, बिंकी वहां से एक्सक्यूज करके तुरंत कि उसे लेट हो जाएगा निकल जाता है और वांगजी के साथ लैंड कॉर्पोरेशन पहुंचता है। जब बिंग और वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन पहुंचते हैं तो सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं, स्पेशली वो रिसेप्शन जो पहले जब मोशवानी यहाँ आया था तो उसने देखा था कि किस तरह से मोशवानी को मतलब लैंड फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दूसरा, जब वो अभी कुछ दिन पहले जॉब ज्वाइन करने भी आया था तो लांग वांग जी और लैंड फैमिली ने क्लियर कर दिया था कि वो बाकी एम्प्लॉय की तरह उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आज तो खुद लांग वांग जी उसे स्पेशली ट्रीट करें, स्पेशली अपने साथ ले जा रहे हैं, अपने स्पेशली उसे अपने साथ लेके आए हैं। ये बात आग की तरह पूरे लैंड कॉर्पोरेशन में फैल जाती है। वो लोग जो मिमी के आगे पीछे घूमते थे उसके चमचा बन के उसे इंप्रेस करने ताकि उसके थ्रू वो वांगी के गुड बुक्स में आ जाए, वो लोग ये सुन के तो बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं। उन्हें लगता है क्या उन्होंने गड़बड़ कर दी क्या, क्योंकि वांगजी ने आज तक इतने टाइम में मिमी उस सबके सामने प्रेजेंट कर दी थी कि वांगजी उसे पसंद करता है, वांगजी उसे प्यार करता है, मोशवानी ने ट्रिक करके वांगजी से शादी कर ली, लोगों की संपत्तियाँ लेती थी। आज उसके बावजूद भी कभी भी वांग जी उसको साथ इसको ऐसे मतलब कंपनी नहीं आया, हाथों में हाथ डाल के या हाथ पकड़ के उसे लेके नहीं आया, लेकिन आज तो वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ है या ये कहते हैं मोशन का हाथ पकड़ा हुआ है और उसे अपने साथ लेके आ रहा है। वो तो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा लेकिन विंग कर रहा है और अपनी कही थोड़ी सी एम्बेरसमेंट वाली बनी स्माइल लेता हुआ सबको गुड मॉर्निंग विश करता हुआ ही जा रहा है। और ऊपर ये लोग जैसे ही विंग वांग जी के ऑफिस में पहुँचते हैं तो वांग जी मतलब सॉन्गलैंड को बता देता है कि विंग का ऑफिस कहाँ है, विंग को कैसे बताना है या मोशानू को कैसे करना है। मोशानू भी सॉन्गलैंड के साथ वहीं बैठ जाता है। विंग के लिए ये चीज़ें वैसे ही बहुत टफ है, वो जहाँ से आया वहाँ ना ही कंप्यूटर था ना ही ये फाइल्स थी और उनको हैंडल करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो एक ब्रिलियंट पर्सन है तो उसके लिए चीज़ें लर्न करना बहुत ईजी है, वो बहुत जल्दी ही सब चीज़ें सीख गया। कुछ ही महीनों में वो जैसे इसी वर्ल्ड का वो ऐसे रहता है तो किसी को भी ये चीज़ देख के बताना मुश्किल होगा कि उसने ये सब चीज़ें अभी सीखी है। कोई भी होगा तो ये सोचेगा ये पुराने वाली तरह ही सीख रहा है, लेकिन वो अभी भी सॉन्गलैंड से चीज़ें समझ रहा है, सीख रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को लेकर लैंड कॉर्पोरेशन आए, इस चीज़ की खबर मिमी के चमचे और उसके थ्रू मिमी तक भी पहुंचती है जिससे वो काफ़ी शॉक हो जाती है और वो गुस्से में आओ ना ताओ देख के कुछ फाइल अपने हाथ में लेके दौड़ी दौड़ी लांग वांग जी के कैबिन के पास पहुंचती है। एज़ यूजल वो सोचती है कि वो बिना किसी से परमिशन लिए डायरेक्ट वांग जी के रूम में चली जाएगी। विंग जो अभी सॉन्गलैंड के साथ बिजी है काम सीखने में, वो सॉन्गलैंड के साथ ही था, तभी वो देखता है कि मिमी कुछ फाइल लेके बिना सॉन्गलैंड से पूछे सीधा रूम में एंटर कर देती है। सॉन्गलैंड जो ये नहीं जानता किस बॉडी में विंग है वो साफ बोलता है, मतलब विंग की आंखों क्वेश्चन वाली आंखों से देख के साफ बोलता है अरे तुम इतना शौक मत हो, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये बॉस के शायद दादा ही क्लोज है इसे इसके कैबिन में बिना परमिशन के घुस जाती है, बॉस भी कब शायद इस पर गुस्सा नहीं करते इसे ये बार बार मुझसे मुझे बॉयकॉट करके सीधा बॉस के पास जाती है। तुम दे और तुम आराम से अब ये चीज़ सीखो, अब तो मैं तुम्हें आराम से एक दो घंटे दे सकता हूँ बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि ये जल्दी से जाने नहीं वाली, इसका बॉस के बातों का सेशन बहुत लंबा चलेगा, ये कम से कम 2-3 घंटे तो यहाँ लगाएगी, चलो इतना हम दोनों कुछ नया सीखेंगे। ये बोल के वो कुछ टैली के कुछ फाइनेंस के मतलब एक तरीके से ऐप्स और साइट्स और वो सब खोल के विंग को समझाने की कोशिश करता है जिससे वो थोड़ा बजटिंग भी कर ले। ये सुन के जहाँ सॉन्गलैंड बहुत चिल है बोलते हैं वहीं विंग के सर पे तो जैसे पहाड़ गिर गया, विंग को तो अंदर से इतनी जलसी हो रही है, उसे लग रहा है क्या उसका लंजा इस बेकार औरत के साथ 2-3 घंटे स्पेंड करेगा और लंजा इस पर गुस्सा क्यों नहीं करता, ये बिना मेरी मतलब लंजा के परमिशन के बिना मुझसे और सॉन्गलैंड से पूछे डायरेक्ट पर लंजा के रूम में चली गई। अब वहीं सॉन्गलैंड बड़े प्यार से विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था पर विंग तो अपने गुस्से में धड़ाम करके अपनी जगह से उठता है जैसे सॉन्गलैंड शॉक हो जाता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तो एकदम से विंग सॉन्गलैंड की तरफ देखता है और बोलता है मुझे बॉस से बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया मैं भी आता हूँ बोल के वो रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन सॉन्गलैंड उसके आगे आके खड़े हो अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे, तुम बीच में घुसोगे क्या पता कुछ एम्बेरसमेंट से देख लो और दूसरी बात बॉस तुम
तुम्हारे को यहाँ जॉब दे रहे, यही बड़ी बात मानो, तुम भूल गए हो क्या? तुम्हारे को कितना गुस्सा करते हैं बॉस, कितनी नफरत है बॉस को तुमसे, और तुम इस तरीके से बिना बॉस की परमिशन के उनके रूम में चले जाओगे? फालतू में तुम्हारी भी जॉब का फर्स्ट डे तुम्हारा लास्ट डे बन जाएगा। चलो चलो तुम अपनी जगह पर पहुँचो, मैं नहीं चाहता कि मेरा भी लास्ट डे बने। चलो चलो, इस बात पर भी गुस्से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्वालिटी टाइम ऐसी की तैसी इस क्वालिटी टाइम की, उसके होते हुए उसके लंजे के साथ ये छिपकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी ऐसे कैसे? जिले सॉन्गलैन को धक्का देके नहीं, गुस्से में धड़ाम करके गेट खोलता है, और जो सामने देखता है उसके बाद तो उसका गुस्सा और सातवें आसमान पे चला जाता है। और आज का वन फिक्शन ही रुकता है, सो कल देखेंगे गाइस क्या देखा वीक ने, जिसका जिसके कारण उसको इतना गुस्सा आ रहा है। और वांगी अब कैसे अपने गुस्से वाले बनी को हैंडल करेगा, उसके लिए अपने एक्सपर्ट ज़रूर देखिएगा। आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।